Hello everyone, welcome to StudyIQ. Hi Dr. Gaurav Garg, welcome you to StudyIQ. आज हम एक मुद्दे पे बात करेंगे जो है फ्लैग को लेकर, झंडे को लेकर. शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका दायर की है और उसमें ये कहा गया है कि भारत के अंदर जो हरे रंग के झंडे हैं, खास तौर पर वो झंडे जिनके ऊपर क्रेसेंट और स्टार बना हुआ है, उनको बैन कर देना चाहिए. क्रेसेंट और स्टार क्या होता है? स्टार तो आप समझते ही हैं, तारा, और क्रेसेंट होता है वेनिंग मून, यानी जो ढलता हुआ चांद है उसकी जो शेप होती है उसको क्रेसेंट कहा जाता है. और भारत में अक्सर इस तरह के झंडे फहराए जाते हैं. क्रेसेंट और स्टार फ्लैग बहुत ज़्यादा कॉमन है, खास तौर पर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके अंदर, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में काफ़ी पॉपुलर है पूरी दुनिया में. जो क्रेसेंट है इसे अरेबिक में हिलाल कहा जाता है. वेनिंग मून की कर्व्ड शेप होती है ये, और इसको एक कल्चरल और पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के रूप में बहुत सारे मुस्लिम्स के द्वारा यूज़ किया जाता है. दुनिया के तमाम कंट्री हैं जिनमें, बहुत सारे कंट्री हैं जिनके अंदर क्रेसेंट और मून यूज़ किए जाते हैं. कई कंट्री ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ स्टार होता है, क्रेसेंट नहीं होता. इस तरह के कंट्री भी हैं. तो ये जैसे अजरबैजान है, पाकिस्तान, मलेशिया, टूनीशिया, लिबिया, अल्जीरिया, टर्की, और भी बहुत सारे हैं. और इनमें अलग अलग रंग हैं इनके. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अल्जीरिया में जो क्रेसेंट और स्टार है वो लाल रंग का है, लेकिन यहाँ पे पीले रंग का है, यहाँ भी पीले रंग का है, यहाँ ये सफ़ेद रंग का है अगेंस्ट अ ग्रीन बैकग्राउंड. तो बहुत सारे कंट्री में क्रेसेंट और मून देखा जाता है उनके फ्लैग में. तो कनेक्शन क्या है क्रेसेंट और मून का, इस्लाम के साथ क्या कनेक्शन है? इसमें कोई एक मत नहीं है, बहुत सारे मत हैं इसके अंदर. इवन ग्रीन कलर को लेके अलग अलग ओपिनियन है. ऐसा माना जाता है कि जो क्रेसेंट है, क्योंकि वो चांद को दिखाता है और मुस्लिम कंट्रीज़ का लूनर कैलेंडर के साथ हमेशा से काफ़ी डीप कनेक्शन रहा है, और मून हमेशा से ही उनकी जो संस्कृति है, उनके कस्टम्स, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जैसे हज यात्रा, ईद या रमदान, फास्टिंग, ये सब मून की अपीयरेंस पर ही बेस्ड है. तो इसीलिए मून जो है वो इस्लाम में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है. बहुत सारी मस्जिद हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उनमें क्रेसेंट का इस्तेमाल किया जाता है. मस्जिद के टॉप पे अगर आप देखेंगे तो क्रेसेंट बना होता है. तो मून जो है हमेशा से ही इस्लाम में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है. मून और क्रेसेंट बहुत पुराने समय के अवशेष मिलते हैं, जो बहुत सारे खुदाई वगैरह हुई उनमें सिक्के मिले, तो उनमें भी काफ़ी जगह देखा गया. जैसे रोमन एम्पायर जो था, या बाइजेंटिन एम्पायर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर बोलते थे, उनमें भी ये देखा गया. बाइजेंटिन एम्पायर के सिक्कों में भी क्रेसेंट मिला, मून मिला. या ईरान का जो पार्थियन एम्पायर है, उनके जो रेमनेंट्स हैं उनके अंदर भी देखा गया. इवन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम के अंदर ये देखा गया. जैसे ये जो सिक्का है ये चर्च ऑफ इंग्लैंड का है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मून दिखाया हुआ है. तो मून का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत सारे धर्मों के साथ है. ये जो सिक्का है ये बाइजेंटिन एम्पायर का है और ये फर्स्ट सेंचुरी का है, इतना पुराना है. लेकिन मून और क्रेसेंट को, यानी क्रेसेंट और स्टार को जो पॉपुलर बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है ऑटोमन एम्पायर को. ऑटोमन एम्पायर ने बाइजेंटिन एम्पायर को रिप्लेस किया था 1453 में, जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, जिसे आज हम इस्तांबुल बोलते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको कैप्चर कर लिया था और यहीं पे बाइजेंटिन एम्पायर का रूल ख़त्म हो गया था. तो ऑटोमन एम्पायर जो है उनका जो झंडा था, ये झंडा इन्होंने ऑफिशियल बनाया था 1844 में, ये है वो झंडा. और आज भी अगर आप देखें टर्की का झंडा तो उसमें कोई खास बदलाव नहीं है, वो भी यही झंडा है. तो उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ तो बहुत सारे दुनिया के कंट्री थे, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर इतना बड़ा था, इतना शक्तिशाली था, तो दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ ने क्रेसेंट और स्टार को यूज़ करना अपने अपने झंडों में शुरू कर दिया. आपको यहाँ बता दूँ, एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल, और एक चीज़ होती है ऑफिशियल. ऑफिशियल मतलब जो एक धर्म के द्वारा अधिकृत होती है. तो क्रेसेंट और स्टार वगैरह इनका इस्लाम के द्वारा ये ऑफिशियल नहीं है. हाँ, यूनिवर्सल ज़रूर है, यानी बहुत बड़े पैमाने पे क्रेसेंट स्टार वगैरह यूज़ होते हैं, लेकिन इस्लाम अपने आप में किसी भी रिलीजियस सिंबल का
धार्मिक चिन्ह का इस्तेमाल एनकरेज नहीं करता। तो ये यूनिवर्सल तो है, वाइडली प्रैक्टिसाइज्ड है, लेकिन ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर का इस्लाम में क्या महत्व है? ग्रीन कलर भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि इस्लाम में यूज़ होता है, और बहुत सारे कंट्रीज़ के जो फ्लैग हैं उनके ऊपर यूज़ होता है, जैसे पाकिस्तान, अल्जीरिया, अजरबैजान, अफ़गानिस्तान एट्सेट्रा। तो ग्रीन कलर के कई मत हैं, कोई एक मत नहीं है। ग्रीन कलर में कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद का फेवरेट कलर था। फेवरेट कलर इसलिए था क्योंकि ये नेचर का प्रतीक है, ये नेचर को दर्शाता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये प्रॉफिट मोहम्मद हमेशा मॉडरेशन की बात करते थे। अगर आप देखें कि जो विजिबल लाइट होती है उसमें 7 रंगों की बनी होती है, जिन्हें हम विबग्योर कहते हैं, तो उसमें बीच वाला रंग है सबसे ग्रीन, यानी ये एक मॉडरेशन को दर्शाता है। मॉडरेशन मतलब अपने आप पे काबू रखना, बुरी आदतों की तरफ ना जाना, एक सादा जीवन जीना, मदिरा पान ना करना, कोई भी बहुत ज़्यादा भौतिक सुखों की तरफ ना जाना, तो एक मॉडरेशन को दिखाता है ये, इसलिए ग्रीन इसका सिंबल है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है। अब ये मामला क्या है? तो शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है कि ये अन इस्लामिक है, यानी कि जो ग्रीन झंडे जिनके ऊपर क्रेसेंट और स्टार है इनको बैन कर दिया जाना चाहिए पूरे इंडिया से, क्योंकि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग उसका झंडा था, और वो पाकिस्तान हमारा एनिमी कंट्री है, तो हमें उसके झंडे नहीं फहराने चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम के नाम पर बहुत सारी भारत की इमारतें हैं जिनके ऊपर चांद सितारे वाले हरे रंग के झंडे फहराए जाते हैं, और इससे तनाव का माहौल बनता है। मुस्लिम इलाकों में इस तरह के झंडे फहराना गलतफहमी और तनाव की वजह बनता है। उन्होंने ये कहा कि हम अपने देश में जो मुस्लिम लीग पार्टी है, अगर आप देखें मुस्लिम लीग पार्टी का झंडा, तो ये है मुस्लिम लीग पार्टी का झंडा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तान का झंडा भी है। तो इस्लाम के नाम पर देश में हरे रंग के झंडे का इस्तेमाल ये असंवैधानिक है। भारत में इस तरह के झंडे लहराना असंवैधानिक है, और इस्लाम में इस तरह के झंडे का कहीं भी जिक्र नहीं है, ये कहा है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है कि सरकार अपनी राय दे इसमें, और उसको सुप्रीम कोर्ट मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला सुनाएगी। ये जो बेंच थी इसमें खुद चीफ जस्टिस रंजन गगोई भी थे जिन्होंने ये पिटीशन सुना था। सो आप इसमें क्या सोचते हैं, मैं आपके भी विचार जानना चाहूँगा। क्या जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, क्या उनकी बात में थोड़ी भी आपको तर्कसंगत लगती है उनकी बात? और इस पर जो भी आपकी राय है आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर आप अपना ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। यूपीएससी मेंस में 150 मार्क्स का जो एसे आता है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपके आंसर लंबे हों, छोटे आंसर एनकरेज नहीं किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग स्टडी आईक्यू।